अनिका मुंड का पहला क्लास है, तो सबसे पहले हम अनिका मुंड का पर्सनालिटी का संक्षिप्त विवरण देते हैं, इसके बाद फिर रूब्रिक के माध्यम से चलेंगे। तो अरनिका मोंटाना एक कॉमन रेमेडी है और अरनिका मोंट एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है। अरनिका मोंट होम्योपैथिक जगत का एक ऐसी रेमेडी है जो लगभग सभी लोग जानते हैं और लगभग फिजिकली लेवल पर सब लोग यूज भी करते हैं। तो होम्यो चिकित्सक तो सब लोग रखते ही है अरनिका मोंट को, लेकिन हर घर घर के फैमिली मेंबर भी इस दवा को अपने घर में रखते हैं छोटे मोटे चोट वगैरह लगने पर देने के लिए। किसी भी तरह का इंजरी होने के बाद फर्स्ट एड में अरनिका को लोग याद करते हैं, लेकिन अरनिका मोंटाना इंजरी हो या किसी भी तरह का डिजीज हो तभी काम करेगा जब अरनिका का पर्सनालिटी बंदे के साथ मैच करेगा, अन्यथा ज्यादातर अरनिका मोंट का दुरुपयोग ही किया जाता है। अरनिका मोंट के बारे में मैंने मटेरिया मेडिका में लिखा है कि रेमेडी फॉर इंजरी एक्सेलेंस, ये बात तो सब लोग जानते हैं, लेकिन नया क्या है इसके बारे में जानने का कोशिश करते हैं। अरनिका मोंट एक प्लांट किंगडम से बना है। अरनिका मोंट बहुत ही सुंदर फूल होता है। अरनिका मोंट कंपोजिटिव फैमिली से बिलोंग करती है और इसका कॉमन नेम लियोपार्डस बैन है। अरनिका मोंट का जो प्लांट होता है पॉइजनस होता है और पुराने जमाने यानी तीर धनुष वाला युग में तीर के नोक पर पौधे के रस लगाकर जंगलों में शिकार खेलते थे। अरनिका उतना ज्यादा पॉइजन नहीं है, फिर भी जिस जानवर को लगता था और जिसको ब्लड में टच करने के बाद सुन हो जाने के कारण शिकारी आसानी से पकड़ लेता था, इसीलिए लोग तीर के नोक में लगाकर शिकार खेलने का काम किया करते थे। तो एकोनाइट की तरह अरनिका उतना हार्ड पॉइजन नहीं है, एकोनाइट से बहुत हल्का पॉइजन है, लेकिन ज्यादा उपयोग से रोगी डेथ भी कर सकता है। आगे हम जानेंगे कि अरनिका का पौधा होता कहाँ है। अरनिका का पौधा प्लांट पहाड़ी की सबसे ऊंची ऊंचाई हजारों हजार मीटर ऊपर वाला सतह पर यह पौधा पाया जाता है, माउंटेन्स हाई पर, और इसलिए इस मेडिसिन का नाम भी अरनिका मोंटाना पड़ा, क्योंकि यह पौधा माउंटेन पर ही पाए जाते हैं। अरनिका एंशियंट मेडिसिनल यूज यानी कि पुराने जमाने से ही इस पौधे का उपयोग होते आ रहा है। अरनिका मोंट का पर्सनालिटी भी उसी तरह का होता है और प्रकृति ने जिस चीज को जहाँ जरूरत है वहीं पर उसको पैदा किया है। यदि आप पहाड़ों के सबसे ऊंचे ऊंचाई पर घूम रहे हैं तो वहाँ पर हर समय खतरा बना रहता है गिरने का, चोट लगने का, खरोच आने का। यही यदि हो गया तो वहाँ पर कोई, यदि ऐसा कुछ हो गया, चोट लग गया, तो वहाँ पर कोई मेडिकल सुविधा नहीं मिलता है और ना मिलेगा। तो अरनिका का प्लांट भी इसीलिए प्रकृति ने अरनिका की जगह पहाड़ों पर दिया है, ताकि पहाड़ चढ़ते चढ़ते पैर में दर्द हो गया तो फर्स्ट एड में अरनिका प्लांट ले सकते हैं और उपयोग भी कर सकते हैं। अरनिका रेमेडी का पर्सनालिटी इसी तरह का मिलता है और इसको पुराने जमाने में लोग एनाल्जेसिक के रूप में उपयोग करते थे, एंटी इन्फ्लामेटरी के रूप में उपयोग होता था क्रूड फॉर्म में। प्रूविंग के समय यदि अरनिका मोंट को देखा गया है कि फर्स्ट इंजरी या फर्स्ट एड में सबसे पहले अरनिका मोंट को ही हम सोचते हैं। इसकी अफिनिटी कहाँ कहाँ है तो ब्लड वेसल्स पर, नर्व्स पर, मसल्स पर, जीआई ट्रैक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन
इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर। जब बॉडी में कहीं भी इंजरी होता है तो सबसे पहले ब्लड वेसल्स का वहाँ पर जमा होता है। सेंसरी नर्व पर और मोटर नर्व पर ज़्यादा काम करता है और वर्क है इसका। मसल्स और जीआईटी ट्रैक इसका प्रभावित रहता है। सेंसरी नर्व पर ज़्यादा इफेक्ट होने के कारण ओवर सेंसिटिव में पाया जाता है अर्निका। मांसपेशियों के दर्द में अर्निका का रोल भी बहुत अच्छा है। इन्वॉलंटरी लूज मोशन में भी अर्निका का बहुत अच्छा रोल है और जीआईटी ट्रैक्ट को प्रभावित करता है। तो अर्निका का मेन एक्शन ब्लड वेसल्स, मसल्स और नर्व पर है। अर्निका मोंटेना का एक्शन होता कैसे है? तो पहला है ऑब्जर्वेंट, यानी कि इंजूरी के बाद उस स्थान पर इन्फ्लामेशन यानी कि स्वेलिंग होता है, ओडिमा का डेवलपमेंट होता है और इंजूरी वाला स्थान हीट और रेडनेस हो जाता है। दूसरा इसका है कंट्रोल्स हेमरेज, जहाँ से ब्लड निकल रहा है वहाँ पर ब्लड डिस्चार्ज होने से कंट्रोल करता है। प्रिवेंट सप्रेशन या सेप्टिक कंडीशन, यानी पुराने इंजरी का जिसका हिस्ट्री जिसके कारण दूसरे तरह का सिम्टम्स प्रोड्यूस होता है, वहाँ पर भी अर्निका मोंट का अच्छा रोल देखने को मिलता है। सेप्टिक फीवर में भी बहुत अच्छा रोल है अर्निका का। पस बनने से रोकने का भी काम करता है अर्निका मोंट। तो जिस तरह से इंजरी के बाद एलोपैथिक एंटीबायोटिक प्रयोग धड़ल्ले से होता है ताकि इंजरी वाले जगह पर पस का फॉर्मेशन ना हो, उसी तरह का होम्योपैथी में अर्निका मोंट का प्रयोग होता है इंजरी के केस में। तो अर्निका का प्रयोग सेप्टिक कंडीशन होने से रोकता है और इसलिए अर्निका मोंट को इंजरी का सबसे बेस्ट रिमेडी में गिनती हो। लक्षण सिम्टम्स, अब सवाल है कि अर्निका मोंटेना का जीनियस सिम्टम्स क्या है? भोगर साहब अपने मेटेरिया मेडिका में लिखा है, द कॉमन थ्रेड व्हिच इज प्रेजेंट्स इन एवरी पैथोजेनिक सिम्टम्स कॉम्प्लेक्स, जिसको हम जीनियस कहते हैं। वे कहते हैं कि कॉमन थ्रेड, जो धागा है, जो कॉमन कनेक्शन के द्वारा एक लक्षण दूसरे लक्षण को कनेक्ट करता है, यानी कि सभी लक्षण एक दूसरे से कनेक्ट रहता है। एवरी पैथोजेनिक सिम्टम्स कॉम्प्लेक्स, यानी कि माइंड सिम्टम्स में, स्टोमक सिम्टम्स में एक तरह का कॉमन धागा है जो मेडिसिन से जोड़ता है। यानी कि कॉमन सिम्टम्स सभी जगह पर दिखाई देता है और उस सिम्टम्स को कोर सिम्टम्स कहते हैं, जीनियस सिम्टम्स कहते हैं, कहा गया है। जैसे एग्जाम्पल में बेलाडोना का जीनियस सिम्टम्स क्या है? कंजेशन ऑफ ब्लड और सडन अटैक, यानी कि ब्लड का जमाव जिसके कारण लाल दिखाई देना और कोई भी बीमारी अचानक आना और अचानक जाना, ये जो है से बेलाडोना का जीनियस सिम्टम्स है के अंतर्गत आता है। तो बेलाडोना के पर्सनालिटी पर हर जगह पर दिखाई देगा, उसी तरह से अर्निका मोंट का इंजरी ट्रोमा हर जगह दिखाई देगा और ट्रोमा इन ऑल इट्स वैरायटीज, मेंटल और फिजिकल, देयर इफेक्ट्स रिसेंट और रिमोट। जो अर्निका मोंट का इंजरी है सब वैरायटीज में मिलता है, चाहे मेंटल ट्रोमा हो या इमोशनल ट्रोमा हो या फिजिकल, सभी तरह के ट्रोमा में अर्निका मोंट दिखाई देता है। और मेंटल ट्रोमा मतलब जैसे ग्रीफ हो गया, शॉक हो गया, डिसअपॉइंटेड हो गया, किसी ने धोखा दे दिया और इसके चलते उसको ब्रेन में ट्रोमा हुआ, शॉक लगा। तो और रिमोट यानी कि इंजरी का पुराना हिस्ट्री, रिमोट के माना होता है कि पुराने हिस्ट्री हिस्टोरी, जैसे रोगी आकर बोलता है आज से 10 साल पहले मेरे को सर में चोट लगी थी और उसी समय से मुझे चक्कर
और सर दर्द दर्द का शिकायत रहता है। इसी को हम रिमोट कहते हैं। अब हम देखेंगे कि आर्निका मोंट का इंजुरी कहाँ होता है। ब्रुसेस इंजुरी, जर्निंग इंजुरी, लेबर इंजुरी, कंजेशन ऑफ ईटीसी आदि जगह पर इसका इंजुरी होता है। दूसरा है शॉक फ्रॉम इंजुरी। भयानक घटना के बाद आदमी को शॉक लगता है, वहाँ भी इंजुरी का एहसास होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि दुख का पहाड़ टूट गया, आघात हो गए। ओवर एग्जर्शन यानी कि कैपेसिटी से ज़्यादा वर्क करने के बाद जो बीमारी उत्पन्न होता है यानी इंजुरी का एहसास होता है, जैसे एक एक सुर में हजारों सीढ़ियाँ हम चढ़ गए तो, और कभी पहले चढ़े नहीं हैं तो दोनों पैर धर लेगा, वहाँ पर भी इंजुरी महसूस होता है। ट्रेमोटिज्म ऑफ ग्रीफ और सडन फाइनेंशियल लॉस, माने एकाएक कभी किसी चीज़ का प्रॉपर्टी का ह्रास हो गया, फाइनेंशियल लॉस हो गया, घाटे में चल गया, तो वहाँ पर भी इंजुरी का एहसास होता है, उसमें भी अर्निका का अच्छा रंग है। अर्निका मोंटाना का बंदा का आदत है कि कंपोजिटी से ज़्यादा काम कर कैपेसिटी से ज़्यादा काम करता है। यदि काम करते करते थक गया फिर भी काम करते रहता है, फिर एलिमेंट पैदा होता है और इंजरी का फीलिंग आने लगता है, तब वो रुकेगा। अब इसका थोड़ा सा मोडलिटीज, टच एग्रावेशन, मोशन एग्रावेशन, डैम्प है, कोल्ड वेदर से है, और निका मन का इंजरी होता है, सीड वाली जगह, ठंडा मौसम आदि से अर्निका मोंट का एग्रावेशन होता है। इसका एमलोरेशन यानी कि अच्छा लगना, तो अर्निका मोंट अच्छा फीलिंग कैसे करता है, तो लाइंग डाउन, लाइंग विथ हेड, यानी कि अर्निका का बंदा जब काम करके थकेगा तो दोनों हाथ का अंगली आपस में ज्वाइंट करके माथे के पिछला भाग ओसिपिटल रीजन में ले जाकर तकिया के रूप में आराम करता है, तो वहाँ पर वह बेटर फीलिंग करता है, उसको बहुत अच्छा लगता है, वेल फीलिंग करता है। इसका फिजिकल सिम्टम्स सोर लेम, ब्रूज्ड फीलिंग एज इफ बीटेन, रोगी को अर्निका के बंदे को ऐसा फीलिंग होता है कि जैसे कोई डंडा से पीटा है, कोई लाठी से पीटा है। दूसरा फिजिकल सिम्टम्स है कैन नॉट बियर पेन, ओवर सेंसिटिव, दर्द को बर्दाश्त नहीं करता है, छूने नहीं देगा। बेड सीम टू हार्ड, कितना भी बेड कंफर्टेबल हो फिर भी अर्निका मन को लगता है कि मेरा जो बेड है बहुत पत्थर की तरह हार्ड है, बहुत कड़ा है, अनकंफर्टेबल महसूस नहीं करता है। हेड एंड फेस हॉट और बॉडी कोल्ड होता है। तो ये अर्निका मोंट का संक्षिप्त ड्रग पिक्चर है। और अब हम थोड़ा सा अर्निका मोंटाना का एक एक और है कि पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है। अर्निका मोंट एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी के अंतर्गत आता है, तो अब पॉलीक्रेस्ट को समझते हैं। तो पॉलीक्रेस्ट का माने हुआ कि जो रेमेडी में बहुत ज़्यादा सिम्टम्स और ज़्यादा काम आने वाला मेडिसिन को हम पॉलीक्रेस्ट के अंतर्गत रखते हैं, और जो रेमेडी कम यूज होता है उसे रेयर रेमेडीज के नाम से जानते हैं। तो पॉलीक्रेस्ट रेमेडी का प्रयोग कम और दुरुपयोग ज़्यादा होता है। जैसे अर्निका मोंट लगभग सभी के घरों में पाए जाते हैं, और जरा भी किसी को चोट लगा तो अर्निका मेडिसिन को 5 बूंद पिला दो। उसी तरह नक्स भूमका भी पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है, इसका भी दुरुपयोग होता है, क्योंकि जरा सा भी पेट में कोई भी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो तुरंत नक्स भूमका का प्रयोग करता है, लेकिन इसका सही उपयोग नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी मेडिसिन तभी अपना वर्क उपयोग में मेडिसिन का उपयोग में आएगा या फंक्शन उठाएगा जब उसका पर्सनालिटी
रोगी की पर्सनालिटी से मैच करता है या मिलता है, यानी कि होम्योपैथिक के सिद्धांत का पालन करता है। सिमिलिया सिमिलबस क्यूरेंटर का सिद्धांत इसमें लागू होगा, तभी दवाई काम करेगा, नहीं तो मेडिसिन का ज़्यादातर दुरुपयोग ही होता है। और तभी सिमिलबस मिलता है, तभी अपना कमाल दिखाता है। ऐसे भी कहावत है कि नामी व्यापारी का कोई सामान धरले से निकलता है, चाहे सामान खराब हो या अच्छा हो। तो होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रयोग करने से पहले सिम्टम्स और रूब्रिक का ज्ञान होना जरूरी है। हमारा कोई भी मेडिसिन यदि सिमिलवस के सिद्धांतों का फॉलो नहीं कर रहा है और आप दवाई दिए जा रहे हैं, तो आपका मेडिसिन को आप मेडिसिन को बर्बाद कर रहे हैं और होम्योपैथिक चिकित्सा को भी बदनाम कर रहे हैं। सबसे पहले आदमी का मन का जो रूब्रिक है, हम पहला रूब्रिक से शुरू करते हैं, जिसका रूब्रिक है ऑर्डर सिटी। तो हम ऑर्डर सिटी को थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। आदमिका मोंटेना का जो बंदे बहुत ही बड़े बड़े फैसले को चुनौतीपूर्ण करने के लिए साहस रखता है और करके दिखाता भी है, और दूसरे लोग उसे बेवकूफ के नज़रिया से देखता है। जो काम नहीं होने लायक है उस काम को भी अंजाम देने के लिए तैयार रहता है और स्वयं पूरा भरोसा भी रखता है, आत्मविश्वास सी होता है। या अनिका के बंदे को कैलकुलेटिंग अच्छा नहीं रहता है। इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अनिका के बंदे सनकलेट यानी कि सनक मिजाज का होता है, और यही ऑर्डर सिटी है अनिका का। दूसरा रूब्रिक है ईगोटिज्म। इसलिए अरनिका के बंदा का ईगो भी बहुत हाई होता है, इसलिए अरनिका मोंट ईगोटिज्म में भी पड़ा है। और अरनिका मोंट का बंदे का जो टोन रहता है, कहता है कि यह काम हमारे लिए कुछ नहीं है, इससे भी बड़ा बड़ा फैसला लेता हूँ। अरनिका मोंट के बंदे किसी दूसरे से मदद नहीं लेना चाहता है, अहम का मदद लेने से उसका अहम का ठेस पहुँचता है, ईगो हर्ट होता है। कहता है मैं खुद सक्षम हूँ, मैं दूसरे का मदद नहीं ले सकता। अनिका के बंदे को अहंकार का बोझ बहुत ज़्यादा रहता है, जस्ट लाइक लंकेश यानी रावण की तरह आत्मनिर्भर समझता है, और भयानक से भयानक विकट परिस्थितियों में भी दूसरे से मदद नहीं लेता है, हिटलर की तरह। अनिका के बंदे कहते हैं कि ही से नथिंग एल्स हिम। अनिका के बंदा उत्तरी कोरिया तानाशाह किम जोंग की तरह बोल्डली कहता है कि हमको दुनिया का कोई भी चीज़ नहीं बिगाड़ सकता है, इतना अहंकारी होता है अनिका। इसको हम आत्मविश्वासी भी नहीं कहेंगे, क्योंकि आत्मविश्वासी में सही गलत का कैलकुलेशन होता है और सही गलत का फैसला लेने का पावर होता है, और उसी के अनुसार काम भी करता है। अगला रूब्रिक है चीयरफुल थाउटलेस। अरनिका मोंट के बंदे यदि चीयरफुल मूड में है और उसके मन में ऐसा कोई विचार नहीं आता कि उसके खुशी में बाधा डाल दे, तो इसी को हम चीयरफुल थाउटलेस कहते हैं। अरनिका मोंट के बंदे के मुताबिक कोई भी खराब परिस्थितियां होता ही नहीं है। यदि अरनिका के बंदे बीमार है तो अहंकार के चलते सही समय पर इलाज नहीं करवाता है, ये बीमारी हमको क्या बिगाड़ लेगा। अरनिका मन के बंदे बहुत खराब स्थिति में किसी के पास जाता है और नहीं तो जाना नहीं चाहता है। वो कहता है हमको कुछ नहीं हुआ है। इसलिए अरनिका मन के बंदा का अगला रूब्रिक है वेल सी इज वेट वेरी सिक। बीमार होते हुए भी कहता है कि हमको तो डेल्यूजन वेल से इज वेरी सिक। घर वाले लोग बोलते रहते हैं तुम बीमार हो, अरनिका का भ्रम रहता है नहीं मैं बीमार नहीं हूँ। अरनिका के बंदे को जितना अहंकार बढ़ता है यानी ईगो हाई होता है, उतना ही चेतन शक्ति की ह्रास होता है, विवेक शक्ति का ह्रास होता है, यानी कि थर्ड आई जो देखने वाला होता है
विवेक होता है उसका ह्रास होता है और उसमें कमी होता है, और वह कमी अहंकार के बराबर होता है। एक बहुत पहले एक आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़े थे कि कोई भी वस्तु को अंशतः या पूर्णतः किसी भी तरल में डुबाया जाए तो उसके भार में प्रत्यक्ष कमी होता है, और वह कमी उस वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए द्रव के भार के बराबर होता है। तो अर्णिका मंड का भी जितना भी जैसे जैसे ईगो आगे हाई होता है और वैसे वैसे उसका चेतन शक्ति कम होता है और चेतन शक्ति का ह्रास होता है। कोई अहंकार उतना ही घटता जाता है। तो जैसे अब एग्जाम्पल में देखते हैं, ज्यादा अहंकारी का जैसे ज्यादा अहंकार के से होता क्या है कि उसका नर्व ज्यादा प्रभावित होता है। जैसे किसी मनुष्य का ईगो होने का बहुत सा कारण होता है, जैसे ज्यादा दौलत होना, ज्यादा शक्ति होना, शक्तिशाली होना, बलशाली होना आदि अहंकार का जन्म देता है, और वह अहंकार ब्रेन के अंदर लेफ्ट साइड के नर्वस सिस्टम को नर्वस सिस्टम में चेंजिंग लाने लगता है। और जैसे जैसे अहंकार का बढ़ोतरी होता है, ईगो का बढ़ावा होता है, वैसे वैसे लेफ्ट साइड का जो नर्व है डैमेज होने लगता है, और व्यक्ति बहुत ही कठोर दिल वाला होता है, पत्थर दिल का हो जाता है वो, और भयंकर दर्द को या पीड़ा को भी बर्दाश्त कर लेता है, और इस तरह से अपनी गलती का एहसास भी नहीं होता है। और जैसे कोई अपराधी टाइप का आदमी है और उसको पुलिस पकड़ कर बार बार जेल में देता है, दंडित भी करता है, लेकिन फिर छूट के आएगा तो हम देखते हैं कि फिर वही काम करता है, डरता नहीं है। तो अर्णिका मंड भी उसी तरह का होता है। अगला रूब्रिक है स्टैसी। स्टैसी मतलब होता है परमानंद, मद मस्त रहने वाला बंदा। स्टैसी चेयरफुल थॉटलेस। जब बंदा बीमार रहता है तो घर के परिवार उसके मदद मदद के लिए, हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन उस बंदे को इतना अहंकार ईगो रहता है कि उल्टा ही घर वाले को ही हेल्प के लिए उस बंदे को आगे पीछे चल रहा है, लेकिन उसी को उल्टा डांटता है, डांटता रहता है, कहता है अरे जाओ तुम अपना काम देखो, हमको कुछ नहीं हुआ है, हमको न दवा दारू की जरूरत नहीं है। तो स्ट्रेसी मूड में रहता है वो, यानी कि परमानंद में रहता है, किसी को एहसान जताने की जरूरत नहीं समझता है, रिफ्यूजिंग टू टेक हिम मेडिसिन, दवाई भी नहीं लेता है। जब अर्णिका के बंदा बीमार के हालत में रहता है और उनके नजदीकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन अहंकारी व्यक्ति मदद नहीं लेता है, जिसका रूब्रिक है रिफ्यूजिंग टू टेक मेडिसिन, सल्की रहता है, नाराज होना, मुंह फुलाना, ऑफेंड इजली, टेस्ट एवरी थिंग्स इन टेम्पर, बैड टेम्पर, यानी कि हर बात पर नाराज होना, इसकी यह फितरत होता है अर्णिका मंड का। आप कुछ भी कर लो बात बात पर नाराजगी दिखाता है। इसका दूसरा सटल रूब्रिक है रूडनेस। फिर रूडनेस भी कहता है, रेस्पेक्टफुल डॉक्टर को भी अर्णिका के बंदे कहता है कि आप अपना काम देखिए, मैं ठीक हूँ, रिफ्यूज टू टेक दी मेडिसिन। अर्णिका के बंदा जब लाचार अवस्था में रहता है, मान लिया कि एक उदाहरण से समझते हैं, मान लिया कि अर्णिका के बंदा को एक पैर टूटा हुआ है और उसके मदद के लिए लोग दोनों तरह से कंधा लगाए हुए हैं, तो उस समय भी उसको झिड़कते रहता है, तुम लोग अच्छे नहीं हो, अच्छे से पकड़ नहीं रहे हो, सहारा नहीं दे रहे हो, तुम लोग जरा सा भी तुम लोग के अकल चिल्लाते रहता है, अच्छे से टॉयलेट में ले चलो, धीरे धीरे ले चलो, कोई काम करो तो ढंग से करो। तू कहता है, मदद कर रहा है, फिर भी कहता है तुम क्या समझते हो मैं अपने से नहीं जा सकता हूँ, यानी कि मदद लेने वाले पर ही चिल्लाते रहता है अर्णिका के बंदा, उसको चला नहीं जाता है। जब गिरने लगता है तो लाचारी में घर वालों से मदद लेता है पकड़ने के लिए, घर वाले पर दौड़कर मदद भी करते हैं घर वाले लोग, लेकिन यह बंदा
एहसान ना दिखा के रूडनेस में बोलते रहता है अरनिका के बंदा। अरनिका के बंदे को इतना अहंकार होता है कि कभी किसी से मदद नहीं लेना चाहता है, बल्कि मदद नहीं लेना पड़े उसके लिए नाना प्रकार का बहाना बनाता है, बदतमीजी जैसा बर्ताव करता है, रूडनेस हो जाता है और बोलता है कि हमको कोई परेशानी नहीं है। ऐसा बहाना नाटक कर देगा, हमको किसी भी की आवश्यकता ही नहीं पड़े। बड़ी से बड़ी परेशानियों को वह सह लेता है। नथिंग इल्स इन, इसका रूब्रिक बनता है नथिंग इल्स इन इरिटेबिलिटी। और उसमें बोलता है इरिटेबिलिटी सेंस डॉक्टर होम सेज ही इज नॉट सिक, कहता है कि डॉक्टर चिड़चिड़ा कर कि हमको कुछ नहीं हुआ है। ऑब्स्टिनेट हेड स्ट्रॉन्ग में रहता है, बेहुदा लाव बर्ताव करता है निका। अहंकारी व्यक्ति को अहंकार कभी झुकने नहीं देता है, अपने बर्बादी को नष्ट होने देता है रावण की तरह, और देखते रहता है कि लंकापति रावण की तरह, लेकिन अंदर से एहसास होता है कि हम बर्बाद हो रहे हैं और डरता भी है। और ऊपर से ईगो इतना हाई रहता है कि दिखाता नहीं है कि हमको डर है और हम बर्बाद हो रहे हैं, तो उसको ओपन करें। तभी तो अर्निका में फियर से संबंधित बहुत सारा रूब्रिक है, जैसे फियर पैरालिसिस ऑफ, फियर ऑफ एपोप्लेप्सी, फियर ऑर्डियल ऑफ, फियर ऑफ डिजीज इनक्यूरेबल, फियर ऑफ इविल, फियर ऑफ फेलुअर, फियर हाई वॉल एंड फॉल्स अपॉन हिम, फियर ऑफ बीइंग हर्ट, फियर अस्ट्रक, फियर फॉल अप ऑन हिम वॉल्स एंड बिल्डिंग हिम, फियर डेथ ऑफ एलोन। व्हेन अंदर से डरता है, यदि अंदर से डरता नहीं रहता तो अर्निका के साथ ये फियर वाला इतना रूब्रिक नहीं आता। तो बहुत सारा फियर से संबंधित रूब्रिक है। अब हम एक एक करके इस रूब्रिक का विश्लेषण करते हैं। जैसे फियर पैरालिसिस ऑफ, तो इसका सीधा अर्थ होता है कि बॉडी कोई अंग काम करना बंद कर देता है और उस अंग में कार्य क्षमता तथा सेंसेशन न के बराबर आता है, उसे पैरालिसिस समझते हैं। यानी कि मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है, यानी कि हाथ मेरा मर गया। किसी पैर काम नहीं कर रहा है, यानी कि पैर मेरा डेथ कर गया। इस टाइप का फियर पैरालिसिस में सेंसेशन होता है। यहाँ पर पैरालिसिस का वो अर्थ नहीं है, इसकी सूक्ष्म को, डीप को समझने का अब हम कोशिश करते हैं, क्योंकि ये रूब्रिक माइंड सेक्शन में पड़ा है। पैरालिसिस माने पक्षाघात, लकवा आदि का डर, यानी मेंटली सूक्ष्म डीप को समझते हैं, तो इसका अर्थ होता है कि जैसे किसी क्षेत्र का अपराध बढ़ा हुआ है और दिन दहाड़े अपराधी घूम रहे हैं और प्रशासन उनका कुछ नहीं बिगाड़ रहा है, तो वहाँ पर झट से लोग कह देते हैं कि प्रशासनिक विभाग को लंकवा मार दिया है, यानी कि प्रशासन का अपना मर्जी नहीं चल रहा है और स्थिति पर से अपराधी का पूरा नियंत्रण समाप्त हो जाता है। इसको नॉर्मल अवस्था में हम किसी मनुष्य की कोई अंग की कार्य क्षमता को खो जाने वाली स्थिति को पैरालिसिस कहते हैं। और उस स्थिति में रोगी कहता है मेरा पैर काम नहीं कर रहा है, मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है, यही लकवा मारना, लकवा मारा कहा जाता है। जैसे बच्चों में जब पोलियो हो जाता है तो एक अंग काम करना बंद हो जाता है, तो जो अंग पैरालाइज हो गया वो अंग स्वयं के इच्छा से काम नहीं करता है और उस अंग पर अपना नियंत्रण खो देता है, उसी अंग को पैरालिसिस कहते हैं। इसका अर्थ हुआ डिप्ले में कि ऐसी अवस्था पैदा हो जाना कि जहाँ व्यक्ति स्वयं की इच्छा से उस अंग को चला नहीं सकता है जैसे कि चलना चाहता है। व्यक्ति उस नियंत्रण से निकलकर अस्त व्यस्त हो जाता है। व्यक्ति अपनी इच्छा मुताबिक किसी अंग की कार्य क्षमता को कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसी को हम पैरालिसिस कहते हैं। अर्निका के बंदे अहंकार बस अपने आप को बलशाली समझता है और आत्मनिर्भर समझता है, किसी से मदद नहीं लेना चाहता है,
किसी कारणवश उसकी ऐसी हालत बनते जा रहा है कि अब मैं फ्यूचर में आत्मनिर्भर नहीं रह पाऊंगा, तो यह डर जो है अनिका बंदे को सताने लगता है और इसी को हम पैरालिसिस कहते हैं। तो अनिका के बंदे को इतना ज़्यादा ईगो हाई है कि किसी से मदद नहीं लेना चाहता है, और यदि कोई उसको जबरदस्ती मदद करता भी है तो उसको कोई एहसान नहीं करता है और ना तो उसका थैंक यू बोलेगा। उदाहरण स्वरूप किसी एक परिवार का जो मुखिया है जिसके कमीनी पर 10 परिवार पल पोस रहे हैं और राज भोग रहे हैं, और जो घर के मुखिया है रात दिन मेहनत करके 10 परिवार को पाल रहा है और अच्छे जिंदगी जी रहा है, और उसी में उसका आनंद मिलता है और खुशी रहता है, जिसको एस्टेसी में कहते हैं हम, रूब्रिक होता है एस्टेसी, अति आनंदित होता है। और यहीं पर ईगो भी होगा, और ईगो इस बात का है कि मैं एक ऐसा शख्स हूँ कि जो 10 परिवार को अकेले कमा के खुशी खुशी रख रहा हूँ। लेकिन जब वही मुखिया धीरे धीरे कमजोर कमजोर होने लगता है और थकने लगता है, काम उतना बन नहीं रहा है, तो जो बंदे को डर नाम का कोई चीज नहीं था, वहाँ पर वो बंदा डरना शुरू कर देता है। अब वह सोचता है कि इतना कमजोर हो जाऊंगा तो मुझसे कोई काम नहीं होगा, अब हमारे ऊपर 10 परिवार का जो बोझ है उस बोझ का कौन ढोवेगा, मेरा परिवार तो बिखर जाएगा, मैं तो पैरालाइज वाला स्थिति होते जा रहा हूँ। तो फियर पैरालिसिस यहाँ पर भी, क्योंकि मेरा मर्जी के अनुसार अब हमारे शरीर का कोई अंग काम भी नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर डर बनता है, और डर बनता है फियर इविल ऑफ, लगता है कि आने वाला दिन मेरा बहुत बुरा होने वाला है, फियर मिसफॉर्चून, हमारा भाग्य खराब होने वाला है, भाग्य का पहाड़ टूटने वाला है, फियर फेलुअर ऑफ, अब मैं हर काम में सक्सेस नहीं हो पाऊंगा, फियर फ्यूचर का डर बनता है। पहले तो एस्टेसी में था तो 10 परिवार के साथ आनंद का जिंदगी जी रहा था, लेकिन बॉडी शक्ति क्षमता जब कम होता है, यानी कि इनवॉलंटरी कंट्रोलिंग पावर कम होता है, तो अर्निका के बंदे को नाना प्रकार का डर सताने लगता है। और अर्निका के बंदे जो अपनी कड़ी मेहनत के बदौलत जो ऊंचे इमारत खड़ी की थी, यानी कि अपने परिवार को अपनी मेहनत के बदौलत बड़े परिवार को जो मुहर लगाया था, और वो डर लगने लगता है कि अब इमारत जो है ना गिर कर धराशायी हो जाएगा, अब गिरने वाला है, तो यहाँ पर रूब्रिक बनता है फियर फॉल, फियर फॉल अपॉन हिम वॉल्स एंड बिल्डिंग हिम, डर लगता है कि बिल्डिंग जो है ना है हमारे ऊपर गिर कर धराशायी हो जाएगा और हम इसके नीचे जता जाएंगे, यानी कि अपने बलद जो धन कमाया था, इज्जत कमाई थी, सब धराशायी होने वाला है, क्योंकि मैं ही जब लाचार लाचार पैरालाइज हो जाऊंगा तो सब लोग को कौन संभालेगा, पूरे परिवार को कौन देखेगा, अब ऊपर का लेबल जो है ना अर्णिका मंच का गिर कर नीचे का लेबल लग जाएगा, ये बात का डर लगने लगता है। और ये बात बहुत सताता भी है क्योंकि अहंकार के कारण सीधे सीधे चोट पहुंचता है। अब अर्णिका मंच के बंदे सोचता है मैं ही लाचार अब बीमार हो जाऊंगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये डर अनिका मंट के बंदे को दुखी बना देता है, और अब इसके चेहरे पर और मन में स्टैसी आनंदित वाला माहौल खत्म हो जाता है और दुखी वाला चेहरा बन जाता है, उदास रहने लगता है, जिसका रूब्रिक यहाँ पर बनता है एंग्विश चिल ड्यूरिंग, एंग्विश हिट ड्यूरिंग, एंग्विश प्रिपरेशन ड्यूरिंग, ये 3 अवस्था में अर्णिका मंट के बंदा सोचता है मेरा श्रेष्ठता पर चोट पहुंचा, फियर मिसफॉर्च्यून मेरा दुर्भाग्य स्थिति हो गया, अब दूसरे पर मैं आश्रित हो जाऊंगा, मेरा कंडीशन बहुत खराब होने का डर लग रहा है, फियर इविल ऑफ, बुरा दिन देखने पड़ेगा, बुरा दिन आने वाला है, इस सब बात का अर्णिका मंट का नाना प्रकार का एलिमेंट पैदा होता है दिमाग में,
कुछ और उदाहरण से कुछ और रूबरी को समझने का कोशिश करते हैं। मान लिया कि एक रोगी जो है शुगर का मरीज है, जो बंदा अर्निका मंट का है, और जिसका शुगर लेवल, शुगर का जो लेवल होता है वो 500 से 600 बढ़ा हुआ है, लेकिन बॉडी से उसको पता नहीं चल रहा है। और इतना तो पता है कि हमको शुगर का बीमारी है, और थोड़ा बहुत दवा लेते रहता है, लेकिन अर्निका के बंदा को चिंता नहीं रहता है, क्योंकि अहंकार में चूर रहता है। बंदा कहता है कि हमको शुगर कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि मैं तो दवा खा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। यानी अपने आप को ऊंचे दर्जे का पर्सन समझता है, व्यक्ति समझता है, या ऐसा एहसास होता है, और इसी को मूर्खतापूर्ण व्यवहार कहते हैं, और जो अहंकार होने का प्रमाण करता है। यहाँ पर रूब्रिक बनता है इगोटिज्म, इगोटिज्म नथिंग एल्स इन। उसको कोई भी चीज़ परेशान नहीं करती है, जो भी थोड़ी थोड़ी बहुत परेशानी होता भी है तो उस तरफ बंदा ध्यान नहीं देता है, उसको लगता ही नहीं है कि वह बंदा बीमार है, आनंद में रहता है, स्ट्रेसी चीयरफुल थॉटलेस में रहता है, स्ट्रेसी में रहता है। इस तरह से आर्निका मंट का बंदा मस्ती में रहता है, क्योंकि कोई खराब विचार उसके मन में आता ही नहीं है। अचानक एक दिन उस बंदे को जब पैर में दर्द उठता है, तब वह घबराता है, और उस समय जब वह डॉक्टर सवाल करता है और कहता है कि ये तो तुम मालूम सा, तो कहता है कि ये तो मामूली सा दर्द है, इतना क्यों घबराए हो, डॉक्टर का सवाल आता है, तो अर्निका का बंदा जवाब देता है, यहाँ अकड़ तो निकला हुआ है। तब वह धीरे आवाज में बोलता है, पैर ही तो ना है डॉक्टर साहब, जब पैर मेरा खराब हो जाएगा तो सब कुछ ना बर्बाद हो जाएगा सर जी। तो अर्निका के बंदा के लिए सबके सामने अपने आप दुखी मान लेना उसके लिए बहुत मुश्किल काम होता है। सबके सामने यह अपना दुख दर्द को नहीं गा पाएगा, धीरे से बोलता है, पैर ही तो ना है सब कुछ, यही तो लेग है ना, और जब पैर ही नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, सब चीज़ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म बाजार हो जाएगा ना, तो फिर तो अपनी मर्जी नहीं चलेगा ना, मैं तो दूसरे के अधीन रहना पड़ेगा, फियर पैरालिसिस, फियर एपोप्लेप्सी, दूसरे से मदद लेना पड़ेगा, हमारे लिए मुश्किल काम है। फियर ऑफ मिसफॉर्च्यून, फियर ऑफ इविल, यानी कि दूसरों को की स्वाधीनता स्वीकार करना पड़ेगा, जो उसके लिए बहुत ही दुर्भाग्य होगा और बहुत ही खराब दिन देखना पड़ेगा। अर्निका के बंदा ऐसी अवस्था नहीं आने देना चाहता है। यदि उस समय डॉक्टर सलाह देता है कि इस दवाई को नहीं छोड़ना है और टाइम से खाते रहना है, एक दिन भी दवा नहीं छोड़नी है, तो अर्निका के बंदा उस बात को भी नहीं सुनता है और अपने मन से काम करता है। कई तरह के दवा अपने मन से खाते रहता है, जिसका रूब्रिक बनता है डिजोबिडेंट। डिजोबिडेंट हो जाता है, यानी कि डॉक्टर के अथॉरिटी को भी ठुकरा देता है, डिजोबिडेंट हो गया, यानी कि ऐसा लगता है कि अर्निका के बंदे के लिए ही दूसरे का निर्देश मान लेना इसके लिए बहुत ही कठिन काम होता है। लेकिन वहाँ पर डॉक्टर जब डराता है, कहता है कि तुम मेरी बात नहीं सुनेगा तो तुम्हारा सब मिशन फेल हो जाएगा, तो तुम बहुत पछताओगे, इतना डराने के बावजूद भी अर्निका के बंदा नहीं डरता है। यहाँ पर रूब्रिक बनता है ऑडेसिटी और फूलिश बिहेवियर, कंट्राडिक्शन इंटॉलरेंस ऑफ। जब बंदा उल्टी पलटी दवाई खा रहा है और जब उसको विरोध किया जाता है तो उसको बर्दाश्त नहीं होता है, कंट्राडिक्शन डिस्पोजिशन टू में चल जाता है, इगोटिज्म और ऑब्स्टिनेट भी हो जाता है, और रूडनेस हो जाता है, रूडनेस टिमिडिटी में चला जाता है। जब डॉक्टर बोला कि अब तुम दवा छोड़ दो तो तैयार नहीं हुआ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, स्वयं में कोई दोष नजर आता ही नहीं है अर्निका के बंदा को, ऐसा समझता है कि किसी के आगे झुकना बहुत ही शर्म की बात है, उसके लिए किसी के सामने झुकना मौत के समान लगता है अर्निका के बंदा को। और फिर
वह डिक्टोरियल रहता है। अगला रूब्रिक है डिक्टोरियल। तो आर्निका के बंदा का डिक्टोरियल स्टेज में तभी मिलेगा जब उसकी हाथ पांव चलते रहता है, यानी कि स्वस्थ अवस्था में, यानी कि वेल की अवस्था में दूसरे आदमी पर बात बात में रोब झाड़ता है। ये तुम ऐसे करो, वैसे करो, तुम जरा सा भी अक्कल नहीं है, एक भी काम तुम अच्छा से नहीं करते हो, यानी कि हमेशा रोब में ही बात बोलेगा। डिक्टोरियल टॉकिंग विथ एयर ऑफ कमांड, जिसका रूब्रिक आगे बनता है डिक्टोरियल टॉकिंग विथ एयर ऑफ कमांड, यानी कि अर्निका के बंदे को जो भाषा होती है रोब जमाने वाला होता है, यानी बोलने का जो स्टाइल होता है रोब झाड़ने का समान होता है। ऐसा करो, वैसा करो, हमको ये दवा मत दो, यहाँ यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, एक लाइन में आदेशात्मक रोब जो है ना अर्निका के मोंटेना झाते रहता है। अर्निका के बंदा आदेशात्मक बात अपने से छोटे पर ही चलाता है, कोई वहाँ अर्निका के लिए बड़े है ही नहीं, उसके मन में अपने आप को बड़ा और दूसरे को छोटा समझता है और आदेश चलाते रहता है, और इस तरह से वह फ्रिवोलस भी हो जाता है। आगे चला जाए सर, किसे थोड़ा और चलें। फ्रिवोलस, आर्निका के बंदा अपने आप को पावरफुल शक्तिमान समझता है, जिसके चलते कोई भी बात को गंभीरता से नहीं लेता है, यानी कि आर्निका के बंदा फ्रिवोलस में ही पड़ा है। आर्निका के बंदे को पता रहता है कि हमारे बॉडी में कुछ न कुछ खराबी आ गया है, फिर भी मस्त रहता है, कोई ध्यान उधर देता ही नहीं है, लापरवाही बरतते रहता है, यहाँ पर स्ट्रेसी और चेयरफुल थॉटलेस रहता है, अपने आप को आनंदित होते रहता है, जिसके चलते अपनी बीमारी को भी भूल जाता है और लापरवाही बरतता है अपने स्वास्थ्य के प्रति। इसका इसका अगला शटर रूब्रिक है फ्रिवोलस का हिडलेस। तो इसको हम यदि अर्निका के बंदे को यदि कोई सलाह देता है तो उसको बातों को हवा में उड़ा देता है, यानी कि ध्यान नहीं देता है, कहेगा हाँ सुन लिया, ठीक है जाए जाइए, सुन लिए, आप बोले हैं ठीक है, एहसास नहीं, कोई गंभीरता नहीं लेता है, हेडलेस हो जाता है, और हॉटी भी है, जिसके चलते वह अर्निका का बंदा हॉटी भी रहता है, हॉटी में भी पड़ा है। सामने वाला को छोटा समझता है और कोई ही बात को अनसुनी कर देता है, अपने ही जीत पर अड़े रहता है और सामने वाले को गलत प्रमाणित करता है, तथा छोटा को समझता है और अपने आप को तिस्मार खा समझेगा। फिर आगे रूब्रिक है आंसरिंग रिफ्यूजिंग टू आंसर। आंसरिंग का मतलब होता है कोई सवाल किया तो उसको जवाब देना, जैसे कोई भी समस्या का क्या सोल्यूशन हो सकता है, क्या इंतजाम करना है, इस बात पर कोई इंटरेस्टेड नहीं रहता है आर्निका के बंदा, समस्या को चलने देता है, चलने दीजिए जैसे भी चले, उसको ईगो इतना हाई होता रहता है कि वह समझता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये समस्या मुझे कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आर्निका के बंदा समस्या पर भी तभी ध्यान देता है जब उसकी बॉडी का कोई अंग काम करना बंद कर देता है, यानी कि आर्निका के मन के मुताबिक उसका हाथ पाँव उसके अंग काम नहीं करता है, फियर पैरालिसिस में जाएगा, फियर एपोप्लेसी में, मुर्गी और मूर्छा वाला स्थिति में। इपिलिप्सी और दिमाग में, जब दिमाग में उसको झटका आता है, फिट आता है, तब वो ध्यान देगा,